हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक फटाफट बनने वाली लंच की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। देखकर तो आपको पता ही चला होगा। हाँ, तो मैं आज बना रही हूँ कढ़ी चावल। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो मैंने ये छाछ लिया है, इसमें आधा कप बेसन छान कर डालकर और इसे ब्लेंड कर कर लिया है। उसके बाद इसमें मैंने कुछ मसाले डाले हैं, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और हाँ, एक खास टिप बताना चाहूँगी कि पानी इसमें अभी इस वक्त ही डालना है। कढ़ी जब पकने रखे तो फिर उसमें पानी ना डालें। ऐसे करने से कढ़ी अच्छी नहीं बनती है, मतलब कि जिस तरह की कढ़ी गाढ़ी और टेस्टी होती है वैसे बन नहीं पाती है बार बार पानी ऐड करने से। तो अब एक वघार बनाएंगे, उसके लिए मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई रखी है। घी का तड़का देंगे, वैसे तो ऑयल भी तड़का दे सकते हैं पर घी से बढ़िया टेस्ट आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने डाली है राई, जीरा, मेथी दाना, दालचीनी, कड़ी पत्ते, इलायची, लवंग, काली मिर्च, तेज पत्ता और इसे मिक्स करेंगे। और फिर डालेंगे बारीक कटा हुआ अदरक, हरी मिर्च, हींग और बारीक कटी हुई लहसुन। मिक्स करेंगे, इनको भून लेंगे जब तक इनका कच्चा स्वाद नहीं निकल जाता। और फिर छाछ का घोल डालेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने पानी डाल रही हूँ, पानी डालकर कढ़ी को एडजस्ट किया है, इसके बाद मैं पानी नहीं डालूंगी। यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगी कि घोल डालने के बाद कढ़ी को कंटिन्यूसली हिलाते रहना है जब तक कढ़ी में एक उबाला नहीं आता। तो आप देख सकते हैं एक उबाला आ गया है। अब इसे करीबन आधे घंटे के लिए लो मीडियम गैस पर उबालेंगे और बीच बीच में हिलाते रहेंगे ताकि नीचे तले में लगे नहीं। तो जब तक कढ़ी उबल रही है तब तक चावल बनाएंगे। एक कप चावल लिए हैं, इनको दो तीन बार अच्छे से पानी से धोएंगे और डायरेक्ट कुकर में पकाएंगे। एक कप चावल है तो मैं दो कप पानी ले रही हूँ, इतना पानी परफेक्ट है। स्वादानुसार नमक डालेंगे और कुकर में इसकी दो सीटियाँ लगाएंगे। अब आप देख सकते हैं कढ़ी आधी हो गई है और इसे पकते पकते आधा घंटा भी हो गया है। अब इसे एक तड़का लगाएंगे। वैसे ये रेडी ही है, आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, पर तड़के से ये और भी डिलीशियस बनेगी। तड़का पैन में घी डालकर जीरा, सूखी वाली लाल मिर्च और मिर्च पाउडर डालेंगे और तुरंत ही ये कढ़ी में डालकर मिक्स करेंगे। तो हमारी कढ़ी अब रेडी है। चावल भी हो गए हैं, कुकर ठंडा हो गया है, कढ़ी के साथ जीरा राइस बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इसको भी जीरा का तड़का लगाएंगे। तो इसलिए तड़का पैन में घी डालेंगे, फिर उसमें जीरा, दालचीनी और कड़ी पत्ते डालेंगे। जीरा को अच्छे से फूलने देंगे, फिर चावल में डालकर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो आप जब भी बिजी हो या खाने में क्या बनाए समझ में नहीं आए तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और हाँ, मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।